यहाँ पे आके यहाँ पे मामा चलो कार के भी साथ में खड़ी लगता है कार के भी कल कन्नू के स्कूल में टीचर्स डे की स्पीच है और उसकी हमने प्रिपरेशन कराई है घर पे, तो अभी इसकी थोड़ी बहुत जो भी प्रिपरेशन हुई है तो ये अभी सुनाएगा और बाकी ये कल स्कूल में सुनाएगा, जैसे भी सुनाएगा तो मैं वो वीडियो भी डालूंगी और ये वाली भी अभी मैं डालूंगी जो ये अभी सुनाएगा, तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और देखते हैं कन्नू कैसे सुनाता है टीचर्स डे की स्पीच। और आप भी बताना कि कैसे सुनाई कन्नू ने स्पीच। कन्नू आर यू रेडी? Yes. तो ये स्पीच रेडी कराई है कन्नू के पापा ने, आ जाओ कन्नू। कन्नू सुनाएगा अभी। कन्नू आर यू रेडी? कन्नू के हाथ में माइक भी है, हाँ यहाँ से कन्नू के हाथ में माइक भी है और कन्नू सुनाएगा। 1 2 3 स्टार्ट करो, जोर से सुनाना। 1 2 3 स्टार्ट। Very good. यहाँ पे खड़े हो जाओ, स्टैंड देयर, यहाँ पे खड़े हो जाओ, बोलो मम्मा के साथ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुव सुनाओ। ओम थोड़ी देर बैठी थी कन्नू की स्पीच रेडी करवाई है, इतनी देर में तो इन दोनों बच्चों ने हमको कर ली। बताओ ऐसे करते हैं ये छोटे छोटे बच्चे से, मेरे छोटे छोटे से पुद्ध पुद्ध से मैं बेबी है, ये ऐसा करते हैं। मैं पुद्ध पुद्ध से बेबी, अब मैं इनको क्या करूँ, पूरे दिन हमको करते हैं, पूरे दिन हमको करते हैं। चलो दोनों बैठो, चलो दोनों। सो गाइज ये ना मैंने कलौंजी मंगाई थी ऑनलाइन और आज मैं इसका यूज़ करूँगी। कढ़ाई रख के गई थी मैं अभी इसको लेने के लिए, तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है यहाँ पर, बंद कर देती हूँ अभी मैं इसका फ्लेम, फिर बताती हूँ आपको। और ये बन रहा है कन्नू का खाना। कन्नू अभी स्कूल से आ गया। सो गाइज कन्नू अभी स्कूल से आ गया है और ये कन्नू के लिए पैनकेक बन रहे हैं। अब इसकी रेसिपी आप लोग पूछोगे तो इसकी रेसिपी भी मैंने वैसे काफ़ी बार शेयर की है। इसके अंदर ने मैंने आलू भर दिया और ये बर्गर जैसा बन गया है, सूजी का और ओट्स का बनाया है मैंने। ये दही में सूजी को और ओट्स को भिगो लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें नमक वगैरह डाला, मसाले वो जो भी हल्के मसाले होते हैं वो डाला, जैसे धनिया पाउडर वगैरह, जीरा पाउडर, और फिर आलू की पिट्ठी बनाई और ऐसे इसकी लेयरिंग करके भर दिया। मतलब इसमें पहले एक लेयर लगाई। चलो ये इसकी रेसिपी मैंने चढ़ा रखा है, काफ़ी गर्म हो गई कढ़ाई। तो मैं बताती थी ना आपको कि मैं कलौंजी लाई थी और मैं आज इसका यूज़ करूँगी। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये है नारियल तेल, नीचे रखा था ना कैंटीन का सामान, वहाँ से लाई हूँ। और कड़ी पत्ते भी तोड़ कर लाई थी नीचे से, जब मैं सुबह गई थी झाड़ू पोछा लगाने, तो अभी मैंने ना पन्नी में रख लिए थे क्योंकि काफ़ी सारा सामान लाई थी मैं। कन्नू की सॉस की बॉटल भी लाई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नीचे जा रही हूँ अभी गुड़हल की पत्तियाँ लेने, नीचे जा रही हूँ। मैं ना अपने लिए अभी तेल बनाऊँगी।
वैसे मैंने एक बार और बनाया था। सुबह मैं सारा क्लीन करके गई थी, सारा झाड़ू पोछा लगा गई थी सुबह, तो मैं लेने आई थी गुड़हल की पत्तियाँ। अब गुड़हल का कौन सा पेड़ है, ये बहुत सारे पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। सो गाइस, गुड़हल की पत्तियाँ कहाँ हैं, गुड़हल का फूल कहाँ है? फूल कल परसों तो खिला हुआ था, आज नहीं खिला हुआ। ये तो भिंडी का है, ये कोई छोटी सी भिंडी भी लगी है इधर। मेरे ख्याल से गुड़हल का ना ये है, तो मैंने इसकी कुछ पत्तियाँ ले लेती हूँ। चार पत्ती ले ली मैंने इसकी, फूल तो है नहीं आज। और ये यहाँ पर कड़ी पत्ते का वो है पेड़, कड़ी पत्ता मैं ले गई थी सुबह। अभी मैं चलती हूँ, मैं बिना चप्पल के आ गई। सो गाइस, मैं ना ये सब सामान रख लेती हूँ, बाद में बनाती हूँ। ना बच्चों को पहले खाना वाना खिला दूँ, उसके बाद में बनाऊँगी उसे, तो मैं रात में प्रिपेयर करूँगी। तो मैं ना ये गुड़हल की पत्तियाँ भी तोड़ लाई और मैंने इसको फ्रिज में रख देती हूँ, अभी बाद में बनाती हूँ। पहले बच्चों के लिए खाना वाना प्रिपेयर कर दूँ और फिर उनको खिलाना भी। कलाम जी को भी रख देती हूँ अभी बस में, एक बार थोड़ा थोड़ा और सेक देती हूँ। और कन्नू स्कूल से आ गया तो ये खा लेगा अभी सॉस के साथ। सुबह मैंने इसके लिए एक पराठा दिया था आलू का और भिंडी की सब्जी दी थी, और आज मैंने दाल चावल नहीं बनाए क्योंकि भिंडी की सब्जी और पराठे बचे हुए थे तो वो ही खा ली। जाऊंगी, मैंने बालों में पैक लगा लिया, इसको ना आधा घंटे के लिए रहने दूंगी। और आज बारिश हो रही है बहुत तेज, सुबह सुबह बारिश हो रही है। कन्नू भी कार से गया था स्कूल क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए तो उसको कार से ड्रॉप कर दिया था। तो मैं आपको रेनिंग दिखाती हूँ, रेनिंग हो रही है आज काफ़ी। सो गाइस, आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की, आप देख सकते हो रेनिंग। जालियों में से ना सही से दिखता नहीं है कैसे बारिश हो रही है। सो आज के ब्लॉग को बहुत ही नेचुरल सा रखा मैंने स्टार्टिंग में, तो ये भी मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था और बालों में मैंने पैक लगाया था। अभी कुछ दिनों से ना मैं अपनी स्किन को लेकर, अपने बालों को लेकर एक वो चलता है, सेशन चलता है मेरा, कभी स्टडी को लेकर, कभी फेस को लेकर, कभी कह सकते हो आप हेयर्स को लेकर, तो इस तरीके से। तो अभी मेरा शेड्यूल, हाँ, कभी वेट लॉस को लेकर, तो ये जर्नी मेरी चलती रहती है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के रिगार्डिंग। तो अभी मेरा क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया, तो अभी मैंने बालों में पैक लगाया था, तो आवाज़ मेरे ख्याल से पता नहीं कैसी कम थी या ज़्यादा थी, आप मुझे बताना कमेंट करके। तो मैंने पैक लगाया था कड़ी पत्ते का और उसका दही का। तो अभी बच्चे हुए थे ना, तो बच्चों की केयर में इन सब में मतलब बहुत ही लॉस हुआ है बालों का, स्किन का। किसी तरीका का मैंने रूटीन फॉलो नहीं करा कि मतलब बच्चों में ही मैं बिज़ी। तो अभी भी खैर बच्चों का बहुत ज़्यादा काम है, तो कुछ ना कुछ मुझे होम रेमेडीज अप्लाई करने का एक मतलब एक होता है ना लास्ट टाइम, तो इसके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था मेरे को। सो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, कन्नू आ गया है स्कूल से, वो अभी नीचे है अपने बाबा माजी के पास, और मैं बना रही हूँ रोटी। और बस अभी रोटी पहुँचा दूँगी नीचे, बच्चे भी खा लेंगे। आज दाल चावल नहीं बनाऊँगी मैं, सो आज दाल चावल स्किप है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, और बारिश हुई है खूब ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही मैं गाइस, यहाँ पर ये रही मैं गाइस, और
वेदर देखिए बाहर का, वहाँ पे भैंस आपको दिख रही होगी, आराम कर रही है, सुबह जल्दी उठती है भैंस और बच्चे नीचे हैं, अभी बच्चे नीचे हैं। सो बच्चे आ जाएंगे तो उनके आने से पहले मैं बना लेती हूँ रोटी, बनाने नहीं देंगे फिर। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और मेरे बाल देख रहे हो आप, हेयर फॉल, इस हेयर फॉल को देख के ना स्ट्रेस होने लगा। अब मैं बनाऊंगी चाय, चाय चाय चिकडम अकडम डम चिकडम अकडम डम बस किचन में आई थी मैं, इतनी देर में लड़की रोने लग गई और आगे उठ गई। अब सोएंगे सोएंगे, मैं उसको सुला कर आई हूँ और पता नहीं कितनी देर में वो उठ जाएगी। गाइस मैं वॉइस ओवर ना इसलिए कर देती हूँ क्योंकि फिर ना मेरी आवाज़ नहीं आती है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। मैं चाय बना, मैंने ये तेल बनाया था जो मैं आपको दिखा रही थी ना उस दिन, मैं वीडियो बना रही थी फिर मैंने बनाया ही नहीं, बीच में छोड़।